हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। थंबनेल टाइटल से आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया है, बिकॉज आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एलेटीन का भी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करो। तो आज की वीडियो में मैं फुल फेस करने वाली हूँ यूजिंग एलेटीन मेकअप प्रोडक्ट्स। बट गाइस, आई एम सो सॉरी, एलेटीन के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका कोई ब्राउ प्रोडक्ट अभी तक नहीं है, देन कोई ब्रॉन्जर नहीं है, हाईलाइटर नहीं है, पाउडर ब्लश नहीं है। तो मुझे जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल दिख सके ना, जो मतलब था एलेटीन का मेकअप प्रोडक्ट, वो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है एंड उससे हम लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। योर सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी। आप मेरे और भी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल्स वाली प्लेलिस्ट पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई वेट किए एंड या लेट्स गेट रोलिंग। सबसे पहले प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ एस बेस प्राइमर एलेटीन का। ये एक्चुअली एक न्यू लॉन्च है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं। तो ये बेसिकली एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है, ये आपके पोर्स को अच्छे से फिल इन वगैरह कर देगा और आपको एक स्मूथ बेस भी प्रोवाइड कर देगा आपका फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसने पोर्स को बहुत ज़्यादा ब्लर आउट कर दिया, इट वर्कड फाइन नॉर्मल मेकअप के लिए। आई थिंक अच्छे से वर्क कर जाएगा एंड क्योंकि बहुत अफोर्डेबल भी है इसलिए। फाउंडेशन के लिए एलेटीन का सिर्फ ये एक ही फाउंडेशन आता है, इसके अलावा कोई भी फाउंडेशन नहीं आता और ना ही उनका कोई कंसीलर वगैरह या करेक्टर वगैरह आता। तो मैंने यही फाउंडेशन ले लिया था। मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले रही थी बिकॉज ये वाला जो फाउंडेशन है ना उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको एक शीयर टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करके देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही थी। एंड ऑल्सो ये थोड़ा ना येलोइश टोन में था मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन एंड ये बहुत ज़्यादा येलो रह रहा था। मैं इसको नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर। सो ब्लेंड करने पर आई फेल्ट लाइक कि अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है एंड अगर आप अच्छी खासी इसकी क्वान्टिटी लगाते हो ना तो ये आपको मीडियम सॉर्ट ऑफ कवरेज प्रोवाइड करके दे देता है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था स्किन के ऊपर, बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन था। सो आई फील लाइक कि सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर ही सकते हैं। एंड जब फिनिश की अगर बात करी जाए ना, बहुत ही ड्यूई एंड ग्लॉसी से इसने फिनिश प्रोवाइड करके दी थी, बट इट हैज़ दिस वियर्ड स्मेल इन इट जो मे बी अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपको थोड़ा सा इरीटेट कर सकती है। सो आई विल ब्लेंड इट आउट रियली नाइसली। मैं इसको आईलेट्स पे भी इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इनका कोई भी कंसीलर नहीं आता। मैं सेम फाउंडेशन को ही ना अंडर आइज पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के उसको एज अ कंसीलर यूज कर लूंगी ताकि मेरे को थोड़ी ज्यादा कवरेज मिल जाए अपनी अंडर आइज में और जो पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत विजिबल भी हो रही है वो भी अच्छे से हाइड हो जाएगी। फाउंडेशन हमारा यहाँ पे ब्लेंड होके कंप्लीट हो चुका है एंड एज आई टोल्ड यू मैं थोड़ा सा अंडर आइज में एक्स्ट्रा लगा लूंगी एंड मुझे उससे थोड़ी डिसेंट कवरेज यहाँ पे मिल गई थी ना। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे एलेटीन का कोई पाउडर ब्लश नहीं है, उनका एक न्यू लिक्विड ब्लश इन्होंने लॉन्च किया है ब्लश बॉम करके, इसमें पिंक शेड था, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था एंड ये इस तरीके से चीक्स पे डायरेक्टली लगाने पे बहुत ज़्यादा पिंक लग रहा था, बट व्हेन आई ब्लेंडेड इट आउट ये थोड़ा सा एक सॉफ्ट पिंक कलर में टर्न हो गया था एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी पिगमेंटेड। आई फील लाइक आप इसको विदाउट मेकअप भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है एंड इसके अंदर ना हल्के हल्के शिमर के पार्टिकल्स थे जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे, लाइक वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं थे, सिर्फ हैंड्स पे ज्यादा विजिबल हो रहे थे। सो मैं इसको चीक्स पे और नोज पे थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई किया बिकॉज इनका कोई पाउडर ब्लश नहीं है तो वो बाद में ब्लश बिल्कुल हाइड ना हो जाए इसलिए। फेस को सेट करने के लिए अगेन एलेटीन का ये कॉम्पैक्ट आता है, उनका कोई लूज पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है। सो इसी को मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ले लेके ना अपनी अंडर आइज में भी पैक कर लूंगी एंड अपने पूरे फेस को अच्छे से मैं इसकी हेल्प से सेट कर लूंगी। नाउ अगेन ये वाले कॉम्पैक्ट में भी एक वियर्ड सी फ्रेग्रेंस आती है जो बहुत अजीब सी लगती है, थोड़ी इरिटेटिंग सी, बट इसने फेस को अच्छा से सेट कर दिया था। कुछ खास इसने पिगमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी थी, लाइक एडिशनल कवरेज कुछ भी इसने नहीं दी थी, ठीक है। सो ये करने के बाद ना क्योंकि इनका कोई ब्रॉन्जर नहीं आता, मैंने सोचा कि अपनी नोज को हल्का सा ब्रॉन्जअप कर लेती हूँ अपने खुद के ब्रॉन्जर से, बाकी फेस पे मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई नहीं किया था। नाउ अगेन एलेटीन का कोई ब्राउ प्रोडक्ट भी नहीं है तो इनका ये एक आई शेडो पैलेट आता है जिसमें दो तीन शेड्स आते हैं, उसमें से ना ये एक ब्राउनिश ग्रेश सा शेड था, मैंने सोचा इसी की हेल्प से अपनी ब्राउज को फिल इन कर लेती हूँ। इसमें तीन शेड्स आते हैं आई शेडो में, आई थिंक आप अपने शेड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, बट मुझे ये वाला शेड सबसे वर्सेटाइल लगा था बिकॉज इसमें पिंक पर्पल एंड सिल्वर भी था, एक स्किन कलर भी था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा अच्छा वर्क कर जाएगा। नाउ ये पैलेट में अगर आप देखोगे ना तो ये वाले तीन शेड्स मैट हैं और बाकी के ये तीन शेड शिमर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ये डार्क शेड है मैं इससे स्टार्ट करूंगी और इसको मैं प्लेस करूंगी अपने आउटर वी पर।
आई फेल्ट की पिगमेंटेशन इस आई शेडो की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल भी ज़्यादा जो मैट शेड्स हैं उनका फॉल आउट नहीं हो रहा था, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे और ब्रशेज़ के ऊपर भी बहुत अच्छे से पिक हो रहे थे। तो आई शेडो की ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी थी। ये कर लेने के बाद ना जो उसके अंदर पिंक शेड था ना, उसकी हेल्प से मैं इसको फर्दर और ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो जब ये थोड़ा ग्रेश और पिंक आपस में मिक्स होगा ना, तो वो थोड़ा सा पर्पल का भी इफेक्ट दे देगा जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। सो इसको धीरे धीरे मैं क्रीज में अपने ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी एंड जो अपना ब्लैक शेड है उसको भी धीरे धीरे सॉफ्ट मतलब सॉफ्टली स्मोक आउट कर दूंगी। ये कर लेने के बाद व्हाट आई विल डू इज़ कि इसमें ना एक बहुत ही प्यारा सा पर्पल शिमरी शेड था, मैं वो ट्राई करूंगी उसको यूज़ करने का, बिकॉज ये थोड़ा पर्पल लुक में टर्न हो रहा था, इसलिए अपनी पूरी की पूरी आईलिड पे ना मैं वो पर्पल शेड अप्लाई कर लूँगी। एंड इट वॉज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड गाइज, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड था और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन भी हो गई थी। बट इस शिमर शेड का मुझे ऐसा लगा था कि जो शिमर शेड्स हैं ना उनका फॉल आउट थोड़ा सा ज़्यादा है। अप्लाई करने के बाद मैं वापस से आउटर वी पर जो ब्लैक शेड लिया था उसको थोड़ा सा वापस से डेंसिफाई कर दूंगी ताकि हार्श लाइन और एजेस जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। ये कर लेने के बाद यू कैन टेक अ लुक कि थोड़ा सा ना आई लुक अच्छा सा हो गया था। नाउ इसमें एक सिल्वर शेड था उसको लेकर मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा प्लेस कर लूँगी ताकि इनर कॉर्नर्स थोड़े से लाइट लगे, देन पर्पल एंड देन डार्क कलर। सो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं था बट थोड़ा ठीक लग रहा था आई मेकअप लुक। नाउ लोअर लैशेस पे जो हमने ग्रे कलर आउटर वी पर यूज़ किया था वो सेम टू सेम मैं लोअर लैश लाइन में सबसे पहले प्लेस कर लूँगी एंड देन जिसको मैंने उसको पिंक शेड से ब्लेंड आउट किया था वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। एंड अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए आई विल यूज़ द सिल्वर शेड जो हमने ऊपर के अपने आईलेट के कॉर्नर्स पे यूज़ किया था, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ मस्कारा एलेटीन का, ये एक न्यू मस्कारा आया है, इनका ये एक ही मस्कारा आता है ठीक है। पैकेजिंग वगैरह अच्छी थी, इसका जो वॉन्ड था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। डेली बेसिस के लिए इट्स अ गुड मस्कारा, वाटरप्रूफ नहीं है तो वॉशेबल मस्कारा है, तो डेली बेसिस में आप एक्चुअली इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लेंथ वॉल्यूम नहीं दी थी इसने, बस अच्छी खासी ब्लैकनेस प्रोवाइड कर दी थी और थोड़ी सी लेंथ आ गई थी विच आई फेल्ट लाइक वॉज ओके। एलेटीन का ये ड्रामा वाला जो काजल आता है इसको मैं यूज़ कर लूँगी अपनी लोअर वाटर लाइन पे और अपनी अपर वाटर लाइन पे भी मैं यूज़ कर लूँगी, टाइट लाइन कर लूँगी बेसिकली, सो दैट थोड़ा आईज़ में थोड़ा एक स्मोकी सॉर्ट ऑफ लुक आ जाए। एंड लोअर वाटर लाइन पर अपना काजल अप्लाई करने के बाद आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा ऊपर एक स्मोकी काजल का लुक दे देना चाहिए, बिकॉज आई लाइनर मैंने यहाँ परचेज नहीं किया था तो इसलिए मैं आई लाइनर की तरह इसको लगा कर अच्छे से विद द हेल्प ऑफ अ स्मज ब्रश ब्लेंड आउट कर दूंगी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीट एंड क्लीन होने की नीड नहीं है बिकॉज इन द एंड आपको इसको ब्लेंड आउट ही करना है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हो, बहुत क्लीन होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन आई एम यूजिंग अ स्मज ब्रश और उसकी हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का स्मज आउट करूंगी, ज़्यादा नहीं बिकॉज अगेन हमारे यहाँ पे पास आई लाइनर नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इसका जो अपर लाइन होती है ना उसको स्मज आउट करना है। एंड या अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे फॉल्स आई लैशेज बिकॉज इट कैन लिटरली चेंज योर लुक, आप खुद देख सकते हो। नाउ यहाँ पे इनका कोई लिप लाइनर नहीं आता, सो आई ट्राइड समथिंग न्यू, मैंने जो ये डार्क ग्रेश कलर था ना एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसी से ही अपने लिप्स को लाइन कर लिया था। आई थॉट कि ये एक अच्छा लिप लाइनर की तरह वर्क करेगा बिकॉज इट वॉज अ ग्रेश ब्राउनिश कलर। सो अपने लिप्स को लाइन करने के बाद मैं एलेटीन की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड न्यूड और इसको अपने पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। नाउ ये एक ऐसा कलर था बहुत ही जो पीची न्यूड था और द कलर वॉज एक्चुअली नाइस बट आई फेल्ट लाइक कि स्किन टोन पैचेस जा नहीं रहा था, तो मैंने जिस ब्रश से अपना काजल स्मज आउट किया था ना उसको हल्का हल्का अप्लाई कर लिया था वहाँ पर जहाँ पर मैंने लिप लाइनर लगाया था, तो एक ओम्ब्रे सॉर्ट ऑफ लुक आ गया था लिप्स पर। एंड या दैट इज इट, दिस इज द फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सारे के प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द शेड्स आप वहां से चेकआउट कर सकते हो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।